उज्जैन आए शंकराचार्य सरस्वती जी ने धार्मिक स्थलों को जप और तप के केंद्र बताया है, साथ ही इन्हें पर्यटन स्थल में बदले जाने का विरोध भी किया है। हमारे धर्म स्थल जप तप तथा साधना के केंद्र हैं, इन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में ना बदलें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सर्वाधिक आवश्यकता है इन्हें शांत, सौम्य, प्रदूषण व शोरगुल रहित रहने दिया जाए। यह बात पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कही। यह बात उज्जैन में महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट और रुद्र सागर में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर कही है। धार्मिक क्षेत्र में शासन तंत्र हस्तक्षेप न करे, सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक क्षेत्र में सहभागी बनना चाहिए, नेतृत्व अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये जो लव जिहाद का कानून बनने से क्या जी के शासन काल में भी चंदा मांगा गया था, अभी भी मांगा जा रहा है। चंदा देने वाले हिसाब किताब लें, मुझसे चंदा लेने आएंगे तो मैं मांगूंगा हिसाब किताब। स्वामी जी पहले तो शासन तंत्र का यह दायित्व था, कृषि को लेकर जो भी निर्णय लिया केंद्रीय शासन तंत्र ने, जो राष्ट्र के हितैषी हैं और विशेषज्ञ हैं कृषि विभाग के, उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए था। होता क्या है, दो चार राजनेता मिल करके निर्णय ले लेते हैं, बाद में वो व्यक्तित्व का प्रश्न बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि वेद, उपनिषद व गीता की ऋचाओं में विज्ञान का मूलभूत उत्कृष्ट ज्ञान सहज वर्णित है, जिसे अरबी, फारसी, अन्य माध्यमों से आंग्ल देश जाकर पुनः हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, क्रिया प्रतिक्रिया, पाई का मान व महत्व आदि सैकड़ा तथा शामिल हैं। शंकराचार्य जी ने शुक्रवार को हर सिद्धि धर्मशाला में आयोजित संगोष्ठी में भक्तों की जिज्ञासा का समाधान किया। शंकराचार्य जी ने इशारों में अखाड़ों को धर्म स्थल की पवित्रता कायम रखने की हिदायत दी, साथ ही किसान आंदोलन व लव जिहाद पर भी अपने विचार व्यक्त किए।